दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 22 फरवरी 2023 बुधवार। एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए आवेदन करने का सुनहरा अवसर निकला है। इनमें कुछ भर्तियाँ बिना एग्जाम बिना परीक्षा के भी निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 22 फरवरी 2023 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यंत्र इंडिया लिमिटेड ओडनेस फैक्ट्री में आयुध निर्माणी के अंतर्गत ये भर्ती है। ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। 5,458 टोटल वैकेंसीज निकली है। ITI अप्रेंटिस के लिए 3,514 पद है, जबकि नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए भी 1,944 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 मार्च 2023 है। सेली आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ITI अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष यहां पर इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आपको यहां पर जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से मेल हो या फिर फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। यंत्र इंडिया .go.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल BSF के अंतर्गत ये भर्ती है। एयर विंग ग्रुप सी की यहाँ पर ये पोस्ट है। एयर विंग ग्रुप सी के अंतर्गत असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक ASI और कॉन्स्टेबल स्टोर मैन की पोस्ट निकली है। वैकेंसीज पोस्ट वाइज आप नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 19 फरवरी से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 मार्च 2023 है। सेली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 से 92,300 है। कॉन्स्टेबल के लिए 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। 10वीं पास और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए मैक्सिमम 28 वर्ष है। कॉन्स्टेबल के लिए 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहां पर बात की जाए तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। recruit.bsf.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है असम पुलिस में, पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए भी 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 मार्च 2023 है। सैलरी डिटेल की अगर बात की जाए तो 14,000 से 60,500 है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 26 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET के आधार पर। फिजिकल और एग्जाम पैटर्न की डिटेल आपको नोटिफिकेशन में ही दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है SLPRBASAM.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है NHM UP में, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये भर्ती है। स्पेशलिस्ट के लिए 1199 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 17 फरवरी 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 मार्च 2023 है।
सेली डिटेल की बात की जाए तो आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। MD, DNB, MS, DAPG और MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 65 ईयर्स यहाँ पर आयु सीमा है। फीस भी आप नोटिफिकेशन से कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। UPNRHM.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में लोक सेवा आयोग BPSC के अंतर्गत ये भर्ती है। ये भर्ती होगी 32 बिहार जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के माध्यम से। पोस्ट है इसमें सिविल जज की। सिविल जज PCSJ सर्विस के माध्यम से 155 वैकेंसी जहाँ पर इसमें निकली है। बात अगर इसकी इंपोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 27 मार्च 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 मार्च 2023 है। करेक्शन की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2023 है। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। सैलरी 27,700 से 44,700 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात अगर आयु सीमा की जाए तो 22 से 35 वर्ष मेल कैंडिडेट्स के लिए है और फीमेल के लिए 22 से 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फी जनरल OBC अदर स्टेट के लिए 600 रुपये है। SC ST PH के लिए 150 है। फीमेल कैंडिडेट बिहार के लिए भी 150 है जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर ही इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। bpsc.bih.nic.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हुई है सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड रिवेन्यू डिपार्टमेंट कर्नाटका में राजस्व विभाग के अंतर्गत लाइसेंस सर्वेयर की यहाँ पर पोस्ट है। 2000 वैकेंसीज निकली हुई है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है जो 20 फरवरी थी उसको बढ़ाकर अब 27 फरवरी 2023 कर दिया गया है। बात अगर यहाँ पर सैलरी डिटेल की जाए तो आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। 12th PUC ITI डिप्लोमा सिविल BBTech सिविल से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 65 वर्ष आयु सीमा है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। टेस्ट और इंटरव्यू से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है landrecords.karnataka.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 22 फरवरी 2023 बुधवार की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट INDSarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।